सकता है। इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकता कि एक सरकार हरियाणा में बनी है और यहाँ चंद्रमोहन जी कह रहे हैं घपले से बनी हुई है सरकार, ये झूठ और फरेब से बनी हुई है सरकार। तो इसको लेकर तो भाई कोर्ट जाइए, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। शांतनु जी ये हाल करती है हर बार। मैं दे देता हूं इसका जवाब। सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाने के लिए चैनलों पे बैठ के आरोप नहीं लगा सकते सर, जाइए कोर्ट, मैं तो कह रही हूँ। शांतनु जी बोलिए। चित्रा जी, मैं दो लिटमस टेस्ट बताता हूँ आपके चैनल पे, एक सुनील जी के लिए, चंद्रमोहन जी के लिए। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि ईवीएम घपले से हुआ और ये ईवीएम केवल घपला हरियाणा में करा, भाजपा को इतनी समझ नहीं थी कि उतना घपला हरियाणा कश्मीर में भी कर लेती, वो केवल सेलेक्टिव घपला करती है। अगर है लिटमस टेस्ट ये कि कल आप कोर्ट में जाइए, आपके पास तो वकील है, एक से कपिल सिब्बल को लेके जाइए, एक से एक वकील है आपके पास, लेकिन ये नहीं जाएंगे। आपको पता है 3 जून को नतीजे आने के एक दिन जयराम रमेश ने क्या ट्वीट करा कि अमित शाह की 150 डीएम से बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप डेटा दें, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो अभी डेटा नहीं है, मैं बिजी हूं, मुझे 7 दिन दीजिए। उन्होंने ट्वीट करा पब्लिकली, 7 दिन नहीं, कल की तारीख में 4 महीने हो चुके हैं, कोई डेटा नहीं है। झूठ बोलो, भाग जाओ, जनता को अविश्वास पैदा करो, अपने कार्यकर्ता को कुछ तो गुगली देनी है, कोई तो मूंगफली खिलानी है, कोई तो जलेबी खिलानी है। क्या बोलेंगे, कैसे हार गए, हमारा नेता बेकार है, हमारा नेता विदेश में जाकर खालिस्तानियों के साथ बैठा है, हमारा नेता विदेश में जाकर पाकिस्तानियों के साथ बैठा है, क्या बोलेंगे। दूसरा एक छोटा सुनील साजन के लिए एक टेस्ट, वो कहते हैं पीडीए, लेकिन ये पीडीए के साथ खड़े कब हैं आप रेपिस्ट मोइन खान के साथ खड़े, निशाद लड़की इसका रेप हुआ उसके साथ नहीं खड़े हैं आप रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, मॉलिस्टर नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, आप पीड़िता के साथ खड़े। तो पीडीए केवल बोलने का जुमला है, जब बात खड़ी होती है, और अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो सुनील जाने के बाद आपको स्टूडियो से उठवा लूंगा। देखिए, और ये कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार उनका वीडियो सबको सुनना चाहिए। भाई सुनील जी, आपसे सुनील जी, ये जो धमकी वाला मोड बार बार शांतनु जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो बार बार ये उठाने वाली धमकी का वो जो बात कर रहे हैं, मैं आप मुस्कुराते हैं उस पर, लेकिन आप सोचिए कि ये वाली जो वो एक तस्वीर रख रहे हैं, ये तो अच्छी नहीं है भाई आपके लिए या पार्टी के लिए। दिस इज नॉट नाइस। बिल्कुल, एक बड़े चैनल पे मैं समझ रही हूँ, पूरे देश में। अब देखिए, उपचुनाव के समय ये सब मुद्दे उठेंगे सुनील जी। हाँ देखिए, एक तो ये विद्वान साथी बैठे हैं और एक पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस की और वर्तमान बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि चिन्मयानंद को जानते हैं दोनों लोग कि नहीं जानते? चिन्मयानंद कौन हैं? चिन्मयानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपना गुरु मानते हैं। उनके कुकर्म कैसे हैं, उनके कुकृत्य कैसे हैं, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इनसे पूछे बीजेपी हाथरस में किसके साथ खड़ी थी, बेटी के साथ कि बलात्कारियों के साथ? इनसे पूछो उन्नाव में किसके साथ खड़े थे, ये लखीमपुर में किसके साथ खड़े थे? इनसे पूछो ये बनारस की बीएचयू की लड़की के साथ खड़े हैं या उन हैवान और बलात्कारियों के स्वागत में खड़े हैं? इनका ये दोहरा चरित्र है। एक बात मैं और साफ कर दूं, मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी मोदी जी की सरकार को घुटनों पर ले आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घुटनों पर ले आए हैं, मोदी जी के बारे में नहीं, मोदी सरकार घुटनों पे आई है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, 2027 में साफ करेंगे। जितना झूठ बोलना बोल लो, जितना आरक्षण छीनना हो छीन लो, नहीं पर उस वाली रणनीति में कांग्रेस कहाँ है सुनील जी? परेशान करना हो परेशान कर लो, जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो, उस वाली रणनीति में कांग्रेस है आपके साथ के नहीं है? आज उस टॉपिक पर भी तो बात कर रहे हैं ना, हरियाणा की जीत के जो साइड इफेक्ट हुए हैं वो कश्मीर में भी है और यूपी में भी है, बात तो यही हो रही है। तो वो साइड इफेक्ट्स में आप में 4 अब 6 तो आपने ऐलान कर दिए, 4 में से कुछ दे रहे हैं कांग्रेस को, नहीं दे रहे हैं? बहुत जल्दी से संक्षेप में बताइए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को देंगे। देखिए कितनी, देखिए सुचारिता जी, कांग्रेस साथ लड़ेगी, कांग्रेस मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, सीटें तो बताइए कितनी? डिबेट में तो नहीं तय कर सकते हैं और किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता टिकट नहीं डिक्लेयर करता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। पार्टी की बात रखने आते हैं, पार्टी की, मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, वो आपको मैंने दिया, सोच और विचारधारा रखने आते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट दिया सर, लेकिन हम कांग्रेस मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ठीक है? आप ये कह रहे हैं गठबंधन, अब ये गठबंधन दिखाने वाला है सिर्फ, क्या इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए सीटों पर काम भी शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। आ रही हूं मैं राधिका जी, एक बार मैं जरा मिल्कीपुर के बारे में बताना चाह रही हूं, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि जो मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे और वहां पर डिंपल यादव के साथ प्रचार करेंगे। जरा चलाइए स्क्रीन पर चेतन। और ये वहां पर जीत की पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवधेश प्रसाद की सीट और यहाँ पर उन्होंने प्रचार के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यहाँ कहा जा रहा है शिवपाल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे। ये सीट जीतना जरूरी है क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा क्योंकि उनके नेता सांसद बन गए हैं, उनको वापस हासिल करेंगे। अब यहाँ ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुद नेता लोग भी प्रचार के लिए उतरेंगे। अब मेरा सवाल एक ये है कि चंद्रमोहन जी, रणनीति भी तैयार हो गई है, प्रचार भी तैयार हो गया है, नाम भी आता हो गए हैं, लेकिन उन सब में आप कहीं नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी क्यों निकाल लेते हैं कान से लीड? ऐसे सुनाई कैसे पड़ेगा आपको? मेरा सवाल, सब चीज तैयारी हो गई वहां पर और आप लोग कहीं हैं नहीं वहां प्लानिंग में, प्रचार की भी रणनीति बन गई, नाम भी आ गए। देखिए, इलेक्शन किसने लड़ना है सुजाता जी? इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के साथी कौन है? सपा, कांग्रेस और अन्य। और लेकिन चर्चा कौन कर रहा है? एक ऐसा चैनल, एक ऐसी पत्रकार जिसकी मजबूरी है इस बात पे चर्चा करने की। और उस पत्रकार की बातों का जवाब कौन दे रही है जो किसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध बहुत सारे प्रश्न खड़ा करा करती थी? चंद्रमोहन जी, आपको ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चैनल पर, एंकर पर सवाल उठाते रहो? अरे भाई, आपके सामने सवालों का अंबार लगा, पहले उनके तो जवाब दे दीजिए। हालत खस्ता आपकी पार्टी की है, नेता आपके सवालों के घेरे में है। वहां पर मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी बनी नहीं पाई। वहां पर हलवा दूसरी पार्टी बनाकर खा रही है, लेकिन आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपको सवाल एंकर पे उठाना है और चैनल पर उठाना है। क्यों भाई? हमें एंकर पे सवाल उठाना? क्यों भाई? मैं एंकर पे सवाल उठा ही नहीं रहा। अगर हिम्मत है तो अखिलेश जी से सवाल करिए कि आपको सीटें क्यों नहीं दे रहे, ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? और हिम्मत है तो उमर अब्दुल्ला को बोलिए कि आप हमें ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? भाई, हम तो गठबंधन में थे, ये नहीं कर पाएंगे आप। आपके प्रश्न का जवाब अभी सपा प्रवक्ता ने दिया और आपने वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। आपकी मजबूरी है क्योंकि नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और ये मजबूरी वाला टैग लेकर यहाँ मत आया करिए, सवालों के जवाब दीजिए। ये बिलो द बेल्ट वाली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। नहीं दे सकते तो वो भी बोलिए कि नहीं है जवाब, क्योंकि ये सब बातें जो करते हैं आप आकर, ये बहुत खराब लगती हैं और आपके स्टैचर को सूट नहीं करती हैं। मैं कह रहा हूं स्टैचर को सूट नहीं करती है। अपनी गरिमा खुद बनाइए आप, हम नहीं तय कर सकते आपके लिए। राधिका जी, आपके पास आ रही है। सवालों के जवाब दे दिए इन्होंने, बहुत है इनके पास जवाब। जी राधिका जी, सुचिता जी, मैं बोलूं? जी बोले प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे ये चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप भी बता रही थी कि गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन आज ही उस गठबंधन इंटैक्ट है कि बातचीत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। एक वीडियो, एक बयान आया है सामने, नेशनल चेयरमैन ऑफ ओबीसी कांग्रेस का अजय यादव जी, जो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी इनके बेटे से हुई भी है, बहुत बड़े यादव नेता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें सम्मान नहीं देती, यादवों को सम्मान नहीं देती। क्या आज भी इस बयान के बाद भी जो अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने दिया है, जो बहुत बड़े यादव नेता है हरियाणा के, कि कांग्रेस में मैं ओबीसी का चेयरमैन हूं राष्ट्रीय, फिर भी यादवों को सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी क्या अखिलेश यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे में कांग्रेस का बोझ लेकर चलेगी? और अगर लेकर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यादवों को सम्मान नहीं देते और आपका सारा वोट बैंक कौन है, उन्हीं को सम्मान नहीं देते तो आप उनको लेकर चल रहे, तो ये ठगबंधन है ना, इसके परतें घर घर खुली जा रही है। लेकिन हमारा काम बोलता है और इसी हर लिए हरियाणा में हम तीसरी बार ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं जो किसी ने नहीं देखी, ना कभी ऐसा नतीजा देखा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, एक बार आपने गुमराह कर दिया। यू कैन फूल पीपल वंस, यू कैन नॉट फूल द पीपल अगेन एंड अगेन। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार लोग आपकी बातों में आ गए कि संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म हो गए, कौन सा खतरा था? अगर संविधान खतरे में होता तो आज भी खतरा होता, कहीं खतरा नहीं था। देश ने देख लिया कि खतरा सिर्फ समाजवादी गुंडों से है उत्तर प्रदेश में, और वो अब उसका जवाब देकर रहेंगे।